साथियों, मैं आप लोग के साथ में कोलकाता में किस तरह से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाया जाता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहली बार कोलकाता में क्रिसमस के पहले से और न्यू ईयर तक मैं अलग अलग जगहों में घूमा और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, सिंहभूमि एरिया में क्रिसमस को मनाया जा रहा है। देखिए कि ये पार्क स्ट्रीट का एरिया है। देखिए पार्क स्ट्रीट में लोग किस तरह से, मैं 23 तारीख के दिन में गया था, ये 23 तारीख का नज़ारा है। न्यू मार्केट एरिया का ये नज़ारा है। न्यू मार्केट के सारे दुकान, फुटपाथ और बड़े दुकानों में लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है क्रिसमस के पहले 23 तारीख के शाम का ये। साथियों, मैं यहाँ से निकलने के बाद में नाम होम्स केक का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको मैं दिखाऊंगा लोग किस तरह से उस वहाँ पे लाइन से खड़े हैं। ये न्यू मार्केट के बाहर का एरिया है। इसके बाद मैं न्यू मार्केट अंदर अंदर में जाऊँगा नाम होम्स केक, जहाँ पर सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हुए लेकिन आश्चर्य हो जाएंगे, सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक दो दो ढाई ढाई घंटे तक लोग लाइन में खड़े होकर केक खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ वही ना होम्स के केक लेने के लिए लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं। 2 से 2.5 घंटा केक आ रहा है, रैक से निकल जा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं लोग बाग दो 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 ढाई ढाई घंटे तक लाइन में खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, आपको देख के शायद बोर लगेगा पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 120 साल पुराना ये कंपनी है ना होम्स कंपनी बेकरी। देखिए, मैंने पूरा कवर किया करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी करना में बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, क्योंकि लोग इतना, मैंने सक्रिय जगह है, लोग वहीं पे लाइन से खड़े हैं, मैं दूर दूर से जाके फ़ोटो खींचाऊँ। देखिए लोग खड़े हैं, मैं शाम को वहीं पे था, करीबन 6 साढ़े 6 बजे की बात है। সকাল 7টা থেকে লাইন লাগছে, হচ্ছে লাইন শেষ হচ্ছে না। আমরা 2.5 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, বাবাকে বলছে কেক নিয়ে আসতে, আমি তো এখানে দেখে আসা হয়ে গেছে আমার, অন্য সময় जो लाइन में खड़े थे उनके मुंह से सुना होगा कि 2.5 घंटे से खड़ा है। देखिए रैक पूरी खाली है, पूरी रैक खाली है, केक आ रहा है और लोग लेके तुरंत निकल जा रहे हैं। ये देखिए पूरी रैक खाली है, लोग लाइन से इंतज़ार कर रहे हैं, केक आएगा और जिनका नंबर आएगा वो लेके चले आएंगे। इसी तरह दो दो ढाई ढाई घंटे सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक करीबन 15-20 दिन से ये नज़ारा है बोल रहे हैं क्रिसमस के पहले। अब मैं पार्क स्ट्रीट आ गया हूँ, ये पार्क स्ट्रीट का वो एरिया है जहाँ बड़े बड़े होटल्स वगैरह है, पुराने 100 साल पुराने,
और बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसर्स यहाँ पे है पार्क स्ट्रीट एरिया। इस एरिया में देखिए किस तरह से लाइटिंग से सजाया है इसको। यहाँ पार्क स्ट्रीट का ब्रिज है, ये पार्क स्ट्रीट का फ्लाईओवर ब्रिज है, इसको भी लाइट से पूरा सजा दिए हैं। ये देखिए ये फ्लाईओवर का ब्रिज है पार्क स्ट्रीट, और मैं ब्रिज के ये ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है और साइड से नीचे से मैं अभी नीचे से जाऊँगा। चलिए यहाँ से वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ वीडियो कर रहे हैं। ये मैं ये पार्क स्ट्रीट से नीचे से मैं नीचे से चल के जा रहा हूँ। ये फुटपाथ है, ऐसे ये होटल वाली गली है, काफ़ी वगैरह होटल वगैरह है। देखिए कितने लोगों का लोग यहाँ वीडियो कर रहे हैं, ये फेमस जगह है वीडियो करने का। दूर दूर से मेरे को यहाँ पे एक रायपुर से एक बंदा मिला, रायपुर दुर्गापुर और खड़गपुर से तीन फ्रेंड्स आके रायपुर या वीडियो कर रहे हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो यूट्यूब में डालेंगे। परिचय हुआ, ये न्यू ईयर मनाने के लिए वो कलकत्ता में आए थे और पूरा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग करके डालेंगे यूट्यूब में। ये वही पार्क स्ट्रीट का एरिया है, देखिए कितना ऐसा जैसे दुर्गा पूजा में सजाते हैं वैसे क्रिसमस में भी देखिए पूरे स्टार से पूरा लाइटिंग से पूरा सजा दिया इस एरिया को पूरा। और गाड़ियाँ इस तरह से चल रही एक के साथ एक चिपक के, और लोग भी वहीं पे मना करने के बावजूद भी पुलिस इतनी लगी हुई है फिर भी लोग घुस जा रहे हैं वहाँ पे। फोटोग्राफी करने के लिए फुटपाथ बना हुआ फिर भी लोग गाड़ियों के बीच में से चल रहे हैं। मंजीत आ जा, ये मेरा 23 तारीख का था बोलते, और हफ्ता 10 दिन पहले से यहाँ पे ऐसा सजा हुआ है पूरा क्रिसमस के पहले से ही, कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले से न्यू ईयर के 10 दिन तक करीबन 15 से 20 दिन तक इस तरह से ये पार्क स्ट्रीट एरिया पूरा सजा रहता है। पार्क स्ट्रीट है और पार्क स्ट्रीट सबसे ज़्यादा सजा हुआ है, उसके बाद है आपका न्यू मार्केट एरिया है जहाँ ना होम्स तो लोग दूर दूर से लोग इंडिया से लोग जिन लोग जानते हैं, मैं पहली बार सुना पर मैं देखा हूँ कि यहाँ से बाहर बाहर से भी लोग आए हैं, लोग जो होटल में रुकते हैं यहाँ पे लाइन में लेके केक खाते हैं जरूर एक बार आके। और उसके बाद मैं जाऊँगा श्री भूमि एरिया और दिखाऊँगा, श्री भूमि दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही फेमस है, कोलकाता का फेमस दुर्गा पूजा फेमस कुछ प्रसिद्ध पूजाओं में से श्री भूमि का है। वहाँ भी रास्ते में इस तरह से सजाया है न्यू ईयर, मैं न्यू ईयर के दिन वहाँ पे गया, 1 तारीख के दिन मैं वहाँ गया, उसको मैं इसके बाद में दिखाऊंगा श्री भूमि एरिया। ये अभी भी नहीं पार्क स्ट्रीट का एरिया, देखिए एम्बुलेंस जा रही है, कार जा रही है, किस तरह से ऐसा मैंने एक के साथ एक चिपक के गाड़ियाँ जा रही है, मेरे को देख के वाकई में बड़ा आश्चर्य लगा मेरे को। देखिए पब्लिक भी चल रही है, गाड़ियाँ भी चल रही है, किसी के साथ में किसी तरह का कोई ये नहीं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ऐसे धक्का मुक्की है वहाँ पर चल रही थी। वाकई जीवट ऐसा लग रहा है कि कोलकाता का एक क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का सेलिब्रेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं आज 1 जनवरी 2023 को शाम को अभी 7 बज रहे हैं करीबन, मैं अभी श्रीभूमि आया हूँ, लेक टाउन से बाद का कलकत्ता का VIP रोड के ऊपर का स्टॉपेज है श्रीभूमि। यहाँ जैसे दुर्गा पूजा में जिस तरह से सजाया जाता है सेलिब्रेशन होता है, उसी तरह से पूरा धूमधाम के साथ में न्यू ईयर और क्रिसमस ऑफ न्यू ईयर के समय यहाँ पे पूरा सजाया गया। रास्ते को देखिए अंदर मेला भी है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं अंदर जाके आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पूरा सजाया गया है पूरी लाइटिंग के साथ में, मैं आप लोग को पूरा दिखा रहा हूँ। साथियों मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे न्यू ईयर मनाया जा रहा है, न्यू ईयर के साथ में केक और पीठा, बंगाली पीठा का फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है, पीछे में पीठा केक्स का मेला है, इसको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं छोड़ूंगा न्यू ईयर के बाद में। मेरे को इसको देने में देरी हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था मेरे फ़ोन में, इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं कर सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए न्यू ईयर और क्रिसमस को मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस ब्लॉग को छोड़ने में।